नमस्कार, टुडे भारत लाइव में आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी खबर कुशीनगर से, वन विभाग की टीम द्वारा बालू खनन का आरोप लगाकर ट्रैक्टर ट्राली किया गया जब्त। वाहन स्वामी से वसूला गया 50,000 जुर्माना। वन विभाग के यार्ड में खड़ी ट्रैक्टर का सेल्फ बैटरी चोरी, ट्राली का नया पहिया भी खोलकर बेच देने का लगा आरोप। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार सिंह। घर कहाँ है आपका? कतौरा। जनपद कौन सा पड़ता है? थाना थाना बिशनपुरा जिला कुशीनगर। अच्छा, क्या मामला घटा है आपके साथ? एक ट्रैक्टर ट्रॉली है हमारा, हम चलवाते हैं उसको। कब का मामला है ये? आठ नौ महीने पहले का मामला है। क्या हुआ? वन विभाग द्वारा हमारी ट्रैक्टर ट्राली पकड़ कर ले जाई गई थी। क्या कुछ लदा हुआ था या खाली था? गाड़ी तो खाली था, नदी में भंसा हुआ था, लेकिन बालू के ऊपर जंगल में अवैध खनन के तहत हमारी गाड़ी भेजी गई, जबकि मैं उसमें निरपराध था। फिर भी उसके बाद भी गाड़ी हमारा गया, हम वहाँ दौड़ते रहे 8 महीने 1 साल तक। दौड़ने के बाद हम गाड़ी ले जाने वाले रेंजर साहब थे चतुर्वेदी जी, और मैं फोर्स के साथ, वो एक गाड़ी एक ट्राली जंगल में अवैध खनन में उपयुक्त पाई गई। जो ड्राइवर ट्रैक्टर लेकर भाग गया, केवल ट्राली मिला, वो ट्राली लेकर आए, और हमारी गाड़ी पेंचर थी और खाली थी, नदी में भंसी हुई थी। ये लोग उसको भी खींच लाए साजिश के तहत, गाड़ी लेकर चले जी। उसके बावजूद हम कई बार, एक साल तक हम, हमारे माँ पापा तीन लोग वहाँ जाते रहे, बार बार ये लोग 1-2 लाख की मांग करते रहे, हमारे पास पैसा नहीं हुआ, हम अपना गाड़ी वहाँ छोड़ दिए थे। 8 महीने बाद जाकर, अब जाकर दूसरे रेंजर साहब आए गुप्ता जी, उनसे बात हुआ तो वो हमारे मम्मी पापा को देख के बोले कि नहीं, और गाड़ी को देख के बोले कि ठीक है, लाचार हैं ये लोग, इनसे कम का जुर्माना करके, हम DFO सर से बात करके कम का जुर्माना करके इनकी गाड़ी छुड़वा दी जाए। जब मैं 50,000 रुपये जुर्माना भर के रसीद कटवा के अपनी गाड़ी लेने के लिए गया, तो हमारी गाड़ी का ट्रॉली का नया चक्का दोनों ट्रॉली में लगा हुआ था, जिसमें एक पहिया खोल कर फटा हुआ पहिया डाल दिया गया था, और ट्राली में उसी तरह पहिया में नट भी नहीं कसा गया था। एक चक्का तो हमारा दोनों नया था, लेकिन एक चक्का है और एक चक्का खोल लिया गया पूरा रिंग सहित, और फटा रिंग और फटा चक्का उसमें डाल दिया गया है। और क्या खुला है? ट्रैक्टर से हमारा सेल्फ जो होता है, जो ट्रैक्टर स्टार्ट किया जाता है, वो हेड से ही सेल्फ खोल लिया गया है, और साथ में बैटरी स्टार्टर टोटल सामान वहाँ से निकाल ली गई है। जब मैं इस बात को पूछा कि सर हमारा ये चक्का नहीं है, हमारा ये बैटरी और ये सेल्फ वगैरह कहाँ है ट्रैक्टर का, मैं ऐसे पैसा भी दे रहा हूँ, गलती किया या नहीं किया वो अलग की बात है, लेकिन जुर्माना भर के मैं अपनी गाड़ी निकाल रहा हूँ, तो हमारी गाड़ी सही सलामत तो मिलनी चाहिए। उसके बाद वो कहे कि देखिए बाबू, मैं नया आया हूँ, जो हमारे पहले जो चतुर्वेदी जी थे वो हमको इसी हाल में सौंप के गए, लेकिन चतुर्वेदी जी अभी रेंजर साहब चक्का बैटरी और सेल्फ खोल के बेच रहे हैं, जबकि उनके आवास के एकदम बगल में ही हमारी गाड़ी लगी हुई थी, और एक ट्राली भी था, उस ट्राली का कुछ नहीं खोला गया था, वो ट्राली सही सुरक्षित, जिस पे बालू लदा हुआ था सही सुरक्षित वो मतलब निकला, हमारे ट्रॉली ट्रैक्टर के साथ ही निकला, लेकिन मेरा ट्रैक्टर ट्रॉली का सारा सामान खोल लिया गया था। मतलब ये प्रशासन से और सरकार से किस प्रकार का न्याय मांगना चाह रहे हैं आप? मैं यही चाहता हूँ चतुर्वेदी जी, कृपया करके हमारा सेल्फ बैटरी और चक्का, अगर न्याय नाम का चीज है, अगर हम जुर्माना भर के अपनी गाड़ी निकलवाए हैं, तो हमारा सामान वापस किया जाए। प्रशासन से मैं मांग करता हूँ, हम इस पे उचित कार्रवाई किया जाए।